अभी बड़ी जॉगिंग सूझ रही। मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है कि लिफ्ट मत यूज किया करो, स्टेयर्स यूज करते ना तो आज तुम्हारी हालत नहीं होती। तुम लिफ्ट में चढ़े तो ऊपर जाने के बजाय सीधा जमीन में घुसड़ गई। ठीक है ना बेबी, अब जिम में तो आ गए ना हम। अब देखना हर महीने 10-10 किलो वेट लूज करूंगा मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक्सक्यूज मी, सुनो भाई साहब, ये ठोको 5-स्टार जिम यही है ना? ठोको 5-स्टार जिम, हाँ यही है। बताइए आप दोनों में से किसका वजन कम करना है? अरे जाहिर सी बात है मेरा ही वजन कम करना है। इनका 30 kg कम करना है। 30 kg? या इतना नहीं होएगा। एक काम करता हूँ, इनका 15 कम करता हूँ, 15 आप बढ़ा लो, बराबर आ जाओगे। क्या बोलते हो? ये क्या बात हुई? पहले तुम ये बताओ यार कि तुम्हारे जिम में फैसिलिटीज क्या क्या है। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे जिम में। हमारे यहाँ पे मतलब लेडीज और जेंट्स के अलग अलग वॉशरूम है। हमारे यहाँ पे फुल्ली AC है जिसमें गर्म हवा आती है। AC में ठंडी हवा आती है? वो तो उनके आती है ना जिनके यहाँ लगा हुआ, हमारे उधर उसका पिछवाड़ा है AC का। ये क्या बात हुई? मैं सड़क पे क्यों जाऊंगा, मैं तो जिम जाऊंगा ना। अरे भाई हम आपकी तेल मालिश करेंगे ना, तो आप फिसल के फुटक को सड़क पे चले गए तो। कमाल है, काफी दूर की सोचते हैं आप। जी हाँ है तो है, दूर की सोचता। दूर की बात से याद आया, ये लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है कि अगर ये बाढ़ में बह गए तो भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नो 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 नो, एक मिनट, दो पॉइंट्स है। पहली बात ये कि बह नहीं सकते, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बाढ़ आएगी कैसे? बाढ़ आएगी, बिल्कुल आएगी। जिम जो है नाले में बना हुआ ना, तो पीछे हमने एक बंदा खड़ा किया हुआ है, वैसे दीवार बना के पानी रोका हुआ है। जिस दिन पानी तेज आ गया सारा जिम बह जाना है। देखिए भाई साहब, हादसा कहीं पे भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी जंगल से जा रहे थे पर एरोप्लेन से मर गए। जंगल से जा रहे थे तो एरोप्लेन से कैसे मरे? अरे ऐसे एरोप्लेन को देखते हुए जा रहे थे, ऐसे ऐसे जंगल में आगे खाई आई, उनको पता नहीं चला नीचे।